तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो आज मैं आपको पिंक चेरी ब्लॉसम ट्री बनाना सिखाऊंगी फॉर होम डेकोर। तो मैंने ये अपने ब्रदर्स से पीपल की कुछ पत्तियाँ मंगवाई थी। ये देखिए, ये पूरी मतलब 100 या 200 होंगी, काउंटिंग इतनी नहीं की थी, बट ये मैंने पत्तियाँ ली हैं। उसके बाद इनको सोक करने के लिए, भिगाने के लिए रख दिया है, वो भी पूरे के पूरे 15 दिनों तक, ताकि अच्छी तरह इसके रेशे निकल जाएं और जो मैं बनाना चाहती हूँ वो अच्छी तरह बन जाए। तो मेरे पत्ते तो भीग रहे हैं, इतने में आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 2 हफ्ते के लिए मैं इसे भिगो कर रख दूँगी। तो तब तक हम अपने जो ट्री बनाएंगे उसका इंतज़ाम करते हैं। तो मैंने ये बाहर से एक ट्री था उसको मंगवा लिया है और इसकी मैं थोड़ी सी कटिंग शटिंग कर रही हूँ, और कटिंग करने के बाद मैं इसको एक राउंड सी शेप दूंगी। तो चलिए, इसकी कटिंग तो हो ही गई, तो इसे करते हैं हम पेंट। तो ये देखिए, मैंने इस पर पूरा सिल्वर कलर कर दिया था, तो जिसमें मेरे हाथ पूरी तरह से भी सिल्वर हो गए थे, बट कोई नहीं, इतना तो बनता ही है। फिर इसको मैंने अच्छे से कलर किया और एक दिन तक इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया। और 15 दिन के बाद मेरी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से हो गई थी, देखिए। तो चलिए, अब इसके हम रेशे निकालते हैं। तो ये मैंने इसे पानी में भिगो लिया है और मैंने लिए हैं ये नॉर्मल टीथ ब्रश का यूज़ किया है, जिससे मैं इसके रेशे निकालूंगी और बड़े ही ध्यान से निकालने अच्छी तरह से। तो मैं ऐसे करके सारे पत्ते अपने रेशे निकाल दूंगी और जल्दी से इसे रेडी करूँ। तो ये देखिए, रेशे हमारे हो गए हैं रेडी। तो अब हम इन पत्तों को धूप में सुखाने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएं और बिल्कुल ड्राई हो जाएं। तो ये देखिए, अब हमारे जो पत्ते हैं वो ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए, इनको भी मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। और अब इनकी बारी है कलर्स के लिए। ये देखिए, तो इन पत्तों को मैं करूँगी कलर्स। तो आइए, अब हम करते हैं इन पत्तियों को पेंट। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरे पास पत्तियां हैं, तो इनको मैं करूंगी मेरे फेवरेट कलर से कलर। तो जो कलर आपको पसंद हो उससे आप कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी मैं मेरी सारी पत्तियों को भी इसी तरह से कलर कर लूंगी।
तो मेरी ये पत्तियां सूखकर तैयार हैं। तो चलिए अब बारी है हमारी इन पत्तियों को पेड़ पर हमारे लगाने। ये देखिए पेड़ पर हम इसे कुछ इस तरीके से ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो पेड़ पे पिंक फ्लावर या लीव्स के लिए मैंने यूज किया है कॉटन को, तो ये मैं पिंक कलर यूज करूंगी और कॉटन को इसमें सोक कर लूंगी और फिर उनको ड्राई कर दूंगी। तो हमारी कॉटन भी अब देखिए रेडी है। तो चलिए इसको करते हैं अप्लाई। अब लगाएंगे हम इसे छोटे छोटे राउंड से बॉल्स बनाकर डिजाइन से वो हमारे पेड़ पर अब हम लगाएंगे।
तो चेरी ब्लॉसम ट्री हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ट्री कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।